जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डिफेंस पर। तो साथियों, आईटीआई के रिजल्ट्स तो कब के आ चुके हैं, बट अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट उनके हाथों में अब तक नहीं आ सका है। अगर हम बात करें, इसके पहले जो मैं आपको अपडेट दिया था, वहां आपको बताया था कि 17 तारीख को, 17 सितंबर को कॉन्वोकेशन डे होने वाला है, कौशल दीक्षांत समारोह जो कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 17 तारीख को। बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि हैं, चाहे जो भी रीजन रहा हो, बहुत आईटीआईज में जो है दीक्षांत समारोह का आयोजन भी नहीं हुआ है, बहुत आईटीआईज में ये बात की जानकारी नहीं थी और बच्चे जो है उनको मिल नहीं सका है। सबसे मेन मुद्दे की बात है कि अब तक जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे बच्चों को, चाहे 20 सेशन के चाहे 21 सेशन के बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं मिल पाया है। तो देखिए, यहाँ पे जो है एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप अपने आईटीआई से ले लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये होता है एनसीबीटी जो पोर्टल है, एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनी पे जाते हैं और ट्रेनी प्रोफाइल इस सेक्शन पे जब क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ की आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जब हम लोग सबमिट करते हैं, तो यहाँ सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है। यहाँ जैसे सबमिट हमने करा, यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस तरह का ट्रेनी प्रोफाइल पेज खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीजें डाउनलोड करने का यहाँ ऑप्शन दिया है, जैसे देन यहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट प्रिंट करने का रहता है, फिर कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट भी प्रिंट करने का यहाँ दिया जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग अलग से यहाँ कर सकते हैं। बट आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सर्टिफिकेट है ये अभी आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो एनसीबीटी पोर्टल है यहाँ से नहीं कर पाइएगा। पर अभी भी इसको जो है, इस लिंक को एक्टिव नहीं किया गया है, आप अभी भी इसको डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसी का देखने वाले हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे मार्कशीट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे सेकंड ईयर वाले में, तो देखिए क्या आ रहा है लिखा हुआ, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि AIIT 2022 रिजल्ट सर्टिफिकेट मार्कशीट आर नॉट अवेलेबल थ्रू दिस पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर आईटीआई। यहाँ कहा जा रहा है साफ साफ कि आप अपने आईटीआई में कॉन्टेक्ट कीजिए, ये बात कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ सर्टिफिकेट पे अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम टू सेम यही एरर आ जा रहा है, जहाँ की कहा जा रहा है कि इस पेज के थ्रू, मतलब ऑनलाइन आप डाउनलोड फिलहाल नहीं कर सकते हैं, अपने आईटीआई में बात कीजिए, आईटीआई से आप ले सकते हैं। उसी तरह कॉन्सुलेटर मार्कशीट की भी बात कर लेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी सेम टू सेम वही चीजें आ रही है। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए DRDO का फॉर्म जो है 23 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने के, और आईटीआई लड़का पास करने के बाद ये सोचता है कि चलो भाई जितने फॉर्म्स आए उसको फटाफट भरा जाए, बट उसके लिए मार्कशीट भी तो चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये जरूरी है। अब ये कहां से ले सकते हैं, देखिए फिलहाल के लिए जो लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप अपने आईटीआई में कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके आईटीआई वालों जो है आपका सर्टिफिकेट प्रिंट करके रखे होंगे, और नहीं किए होंगे तो वो जो है उनके पास पीडीएफ होगा, वो प्रिंट करके आपको दे देंगे, नंबर वन। दूसरी बात देखिए, अब इस तरह का जो है इस तरह से क्यों किया गया है, 17 तारीख को कहा गया दीक्षांत समारोह में जो है दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल में भी सारे डाटा को, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना चाहिए था, जहां तक हम लोगों ने भी कहा था कि आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, बट अभी तक नहीं किया गया है। तो आप लोग को बता दें, लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि आईटीआई, बहुत सारे आईटीआई ने ये शिकायत किया कि बच्चे फीस पेमेंट नहीं करते हैं, लास्ट एग्जाम दे देते हैं, फाइनल एनसीबीटी का एग्जाम दे देते हैं, बट फीस पेमेंट नहीं करते हैं। तो एनसीबीटी से रिक्वेस्ट करके ये जो पोर्टल है यहाँ से क्या कर दिया गया था, हटवा दिया गया था। बेसिकली कॉन्सुलेटेड मार्कशीट पहले भी नहीं आता था, ठीक है, तो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट को हटा दिया गया था, ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट कर सकते थे, लेकिन कॉन्सुलेटेड मार्कशीट को फिर से ऑप्शन में डाल दिया गया। और अगर बात करेंगे 19 सेशन का, 18 सेशन का, 17 सेशन का, तो ये सभी पोर्टल में अपलोड है, पोर्टल में आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू सेशन है, करंट सेशन है, जिनका कि फीस उसका थोड़ा लफड़ा है, तो उनके कारण समझ लीजिए एक तरह से आईटीआई वाले जितने हैं वो लोगों के कारण ही समझिए एक तरह से यहाँ तक, यहाँ पे अब तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो ही बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी वो जाके आईटीआई से ले लें, बात ये उठ रही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे ने फीस पूरा पेमेंट कर दिया है उनके लिए तो कम से कम ये जो पोर्टल है यहाँ से वो अपना डाउनलोड कर सकते थे ना, बात ये है। बट यही है, कुछ आईटीआई या फिर कुछ कुछ बच्चों के कारण जो है ये इतना बड़ा स्टेप अभी लिया गया, बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक टाइम लिमिट है, उसके बाद यहाँ इस वेबसाइट में जरूर से जरूर अपलोड किया जाएगा, इस बात की तो बिल्कुल सियोरिटी है कि यहाँ पे अपलोड जरूर किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर का, देखिए फर्स्ट ईयर 20 सेशन का, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ मार्कशीट, यहाँ डाउनलोड हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ मार्कशीट डाउनलोड हो रहा है, बट ये सेकंड वाले में जैसे सेकंड ईयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो ये लफड़ा है।
ठीक है, तो आप बेसिकली यही कर सकते हैं, अपने आईटीआई में बात कर लीजिए और वहां सर्टिफिकेट ले लीजिए। सर्टिफिकेट जब लेते हैं ना तो वहां पर भी एक चीज काम आपको करना पड़ता है, ये वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, सिग्नेचर वेरीफाइड वेरीफाई करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क थोड़ा पहले दिखाया था मैं, क्या था आपका वेरीफाइड था, है ना, तो वेरीफाइड आपको करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है आपको जब तक वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। ये वेरिफिकेशन कैसे होता है इसका मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा अलग से, कैसे इस जो क्वेश्चन मार्क है इसको कैसे टिक करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से टिक कर सकते हैं, इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया ये आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो और उसके बाद ही आप इन सर्टिफिकेट्स का यूज कर जाओ गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। तो आज की वीडियो जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप लोग से मैं बस यही कहूंगा कि कुछ टाइम का इंतजार कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है जैसे फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो आप अपने आईटीआई में जाकर के कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो वेट कर सकते तो वेट कीजिए। अभी मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाहर दूर दूर जो चले जाते हैं खाने कमाने चले जाते हैं, उस केस में अभी सर्टिफिकेट लेने आईटीआई तो आएंगे नहीं, तो वेट करेंगे अपना, वेट कीजिए, सर्टिफिकेट अपलोड निश्चित होगा वेबसाइट पर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आज का हेल्पफुल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे की अपडेट्स और फर्दर जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं जॉब ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी चीज के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।